नमस्ते सबको। काफ़ी टाइम से मेरा कोई वीडियो नहीं आया, तो आपको पता है मुझसे लेजी कोई नहीं है। आज हमारे घर में कोई फंक्शन है, शादी है, हम चाची हैं, वहाँ पे घर की शादी है, तो वहाँ से थोड़ा सा टाइम निकला तो मैं घर आई थी अभी अपने कमरे में। तो मेरा फेवरेट प्लेस माई किचन, यहीं बनाती हूँ मैं सारे वीडियोस। तो मैंने कहा आज बना लेते हैं कुछ नया वीडियो। तो आज कुछ बोलने का मन कर रहा है मेरा, तो कहना क्या है मुझे? मुझे कहना है रिलेशनशिप के बारे में, शादी के बारे में। तो अब जैसे कल्चर आ गया है, कई जगह लिव इन रह रहे हैं, शादी नहीं करते, ट्राई कर रहे हैं कि हमारे में कंपैटिबिलिटी कैसी है, हम पता नहीं साथ रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, कितने टाइम रह पाएंगे। तो इस तरीके की कई सोच है लोगों में, बट मेरा कहने का मतलब है सिंपल सा कि व्हाट इज़ मैरिज, शादी क्या है? सात फेरे लेना या वो सारे रिचुअल्स करना, ये कोई तेल शांति, कोई बोटन, कोई वो मामा स्वागत, वो सब शादी है एक्चुअली। व्हाट इज़ द कंक्लूजन, और बोलते हैं ना जैसे एक स्टोरी का मॉरल ऑफ द स्टोरी, वैसे ही हम बोलते हैं आउटपुट। कंप्यूटर वाले हैं, सारा इतनी सारी कोडिंग लिखते हैं, हम लास्ट में क्या आती है एक आउटपुट, कि प्रोग्राम बना किस लिए। तो ये जो मैरिज वाला प्रोग्राम है वो किस लिए बना है, कि बस हमने किसी के ऊपर पैरासाइट बनना है, कि पति कमाई वाला हो तो उसकी कमाई ले लेके हमने ऐश करना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। या फिर हम वो प्रोडक्टिव सिस्टम की चेन को एनहांस करने के लिए, कि बस पोते पोती हो जाएं, एक जनरेशन आगे को बढ़े, क्या उसके लिए मैरिज है? तो अगर वो सारी डेफिनेशंस देखें और मेरी बकवास थ्योरीज देखें, तो मेरा तो यही मानना है कि शादी चाहे रिचुअल से करो, चाहे कैसे भी करो, चाहे मन ही मन किसी को अपना पति मान लो, सारे क्या हैं, मतलब लॉयल्टी की बात है, ट्रस्ट की बात है, एक दूसरे के प्रति कितने ऑनेस्ट हैं आप लोग जिसके साथ आप जिंदगी बिताना चाह रहे हो। क्योंकि बोलते हैं रेस्ट ऑफ माई लाइफ आई वॉन्ट टू बी विद यू, मतलब अभी तक जो भी 16-17 साल का टाइम होता है कॉलेज, उस टाइम तक कल होती नहीं इतनी। फिर हम जैसे कॉलेजेस में जाते हैं तो फिर कोई अच्छा लगने लग जाता है तो लव मैरिज हो जाती है, अदरवाइज क्या होता है मदर फादर ढूंढ के हमारी अरेंज मैरिज कर देते हैं। तो एक ऐसा होता है ना गर्ल्स और बॉयज़ का, कि अब उम्र हो गई है, इनको मैरिज हो जानी चाहिए, किसी न किसी बंधन में इनको बांध दो। लड़कों को बोलते हैं कुछ ज़्यादा घूमे, इनके ना नकेल कस दो, ब्याह कर दो इसका, तभी घर में टिकेगा। ठीक है, कुछ कुछ लोगों को शायद उस लिए भी मैरिज का पर्पज़ होता होगा, बट जहाँ तक मैं हूँ, मैं तो शादी करना ही नहीं चाहती थी, बिकॉज मैंने बहुत ज़्यादा ऐसे इनकम्प्लीट से रिलेशनशिप देखे ना, कि शादी होती है, शादी के बाद क्या होता है, पति के कहीं अफेयर्स होते हैं, बीबी घर में इंतज़ार कर रही है कि पति आएगा, वो ऐसा वैसा, या फिर कई जगह क्या होता है डिवोर्स तक बात आ जाती है, फिर या तो बच्चों की बच्चे हुए तो कस्टडी का स्यापा, एलिमनी मनी मिलती है, फिर खर्चा पूरा करते रहो। मतलब मैंने देखा कि एक व्यापार जैसा हो गया हुआ है, लड़की वालों ने कितना दिया है, लड़कों वालों ने कितना लिया, मतलब कुछ इस तरीके का, मतलब कुछ लेन देन वाला, एक कमर्शियल बिजनेस जैसा हो गया हुआ है। और मैं तो बोलती हूँ कुछ भी ना हो बेशक, लेकिन लाइफ पार्टनर का मतलब है लाइफ और उसका पार्टनर, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो उस जिंदगी को बांट रहा है तुम्हारे साथ, उसके साथ खाना खा रहे हो, मिलके मज़ा आ रहा है, घूमना फिरना सब कुछ, मतलब हर एक चीज़ में जब वो शामिल है आपके साथ, तब तो वो आपका पार्टनर हुआ ना। वो चाहे 100 मील दूर ही क्यों ना हो, मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं होते हैं, लेकिन आज भी नहीं है, सब कपल्स हैं, सब ने पति पत्नी ने फोटो खिंचवाए, मेरा पति मेरे साथ नहीं है, मैं अकेली हूँ, लेकिन फिर भी मुझे वो 100 मील दूर से भी लग रहे हैं कि नहीं मेरे साथ कोई है। मतलब एक हौसला जैसा है मुझे कि मैं उसकी बीवी हूँ, अच्छा मेशू की पत्नी, हाँ मेशू की पत्नी हूँ, तो वो लेबल तो कहीं नहीं लगा है, बट मुझे पता है कि मैं किसी की हूँ। अब मैं कोई सामान भी नहीं हूँ कि किसी के नाम पे हो गया, प्रॉपर्टी नहीं हूँ कि अब उसकी हूँ, क्योंकि मैंने मन से उसको अपना माना है, तो मैं मन से उसकी हूँ। नहीं तो कोई कंपल्शन नहीं है किसी का कि हाँ ये वो लाना डिमका, बड़ा कुछ चलता है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि आप मन से, दिल से, आत्मा से किसी के होने चाहिए, तब उस रिलेशनशिप का कुछ मतलब बनता है, प्यार का मतलब बनता है, एक ऐसा रिश्ता
जो सिर्फ ये पल्लुओं में गांठ लगा साथ फिर लेने को नहीं। आपकी सोल में कुछ ऐसी गांठ पड़ी होनी चाहिए कि वो चाहे आपके साथ है चाहे नहीं है, फिर भी आप लोगों के उसके बिना अधूरे हो। वो आपकी हर चीज़ में शामिल होगा। उसी चीज़ को आई थिंक रियल रिलेशनशिप भी बोलते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि बिना मैरिज के भी साथ हैं तो शायद सोल पार्टनर टाइप, या एक्सपेरिमेंट चल रहा है या कुछ है। लाइफ जो है एक एक्सपेरिमेंट नहीं है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को भी देखा जिनकी अरेंज मैरिज है, बुढ़ापे तक बहुत अच्छे हैं एक दूसरे को। शायद वो स्टडी कर रहे हैं या अंडरस्टैंड कर रहे हैं, आई डोंट नो, बट मैंने अच्छे से देखे उनकी लाइफ सेटल्ड होती। तो लास्ट एंड लीस्ट मेरे कहने का मतलब है कि एक रिलेशनशिप में आप तभी जाओ जब आपको लगता है कि सामने वाला भी लॉयल है, आप भी लॉयल हो और आप दोनों जिम्मेवारी उठाने के लायक हो। ये मत सोचो कि हाँ अभी उसके पास कुछ नहीं है, जॉब नहीं, ये नहीं वो नहीं, वैसा नहीं है। वो आपको फाइनेंशियल एक मतलब चीज़ है कि फाइनेंशियली आप आफ्टर मैरिज आपकी फैमिली इंक्रीज होगी, कई प्रॉब्लम्स आएंगी, तो आप फाइनेंशियली कितने साउंड हो वो मैटर करता है, आई नो दैट। बट अगर आपके पैसा भी है, इन लॉज आपके बहुत रिच हैं, जॉब में भी है, सब कुछ है, लेकिन जिसके साथ आपने ज़िंदगी बितानी ना, एक कमरे में एक बेड पे आप दोनों अगर अजनबी हो कि बस एक जिस्म से जुड़े हैं आप लेकिन एक मन से, और उसके साथ वो अटैचमेंट नहीं है, अगर कि आपको वो ऐसा भी देखे तो उसको आपकी नज़रों में पड़े हो कि नहीं कुछ प्रॉब्लम है इसको या कुछ बुरा लगा है, आपके बोलने से पहले आपकी हर चीज़ जो समझ जाए ना, वही बेस्ट लाइफ पार्टनर है। बाकी घर जो बनता है किससे बनता है? ईंट, गारे, शीशे, लकड़ी से नहीं बनता। कोई डिस्ट्रक्शन, आपको पता है मेरे हर वीडियो में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, कोई ना कोई डिस्ट्रक्शन, उसके लिए सॉरी सॉरी सॉरी। क्योंकि कोई स्टूडियो में शूट नहीं कर रही हूँ इसको, मतलब शूट नहीं कर रही हूँ, ना कोई मेरे साथ कैमरा मैन है, फिर तब को बाहर से आवाज़ पड़ी, चाची जी आ जाओ। मेरा सपूत वहाँ पे लड़ाकसी था, तो फिर थोड़ा काम भी है घर का कि हारे हुए कलेक्ट करनी है। अब आप बोलेंगे आज ही क्यों कर रही है, आपने मेरा पिछला वीडियो भी देखा था कि मैं हूँ बहुत ही बेकार। मैं तो स्कूल को भी जो आए बॉयज़ नहीं होते जो पैंट टाई शर्ट आई पहनी, और मैं कभी प्लानिंग नहीं करती आए मैं सुबह ये पहन के जाऊँगी ये कोटी, मेरे तो ऐसा रफ टफ सिस्टम है ना। तो अभी भी क्या हुआ, शादी के लिए थोड़ा किया हुआ है तो मैंने कहा वीडियो अच्छा आ जाएगा, अब शादी के लिए वीडियो बनाना है, शादी के रिलेशनशिप की बात हो रही है तो ऐसा सजना धजना तो बनता ही है। अब मैं सिंपल से कुर्ते पजामे में आके आपके साथ वीडियो बनूंगी मैरिज का तो उतना अट्रैक्टिव नहीं लगेगा ना, थोड़ा सा डालना पड़ता है गुड़, तो मैंने गुड़ डाला आज मैं ठीक थी। मतलब कई सोचते हैं यूट्यूब पे है लगी होती है, पता नहीं कितना टाइम, मैं टाइम वेस्ट नहीं करती। ये वीडियो भी एडिट नहीं होगा, ना क्रॉप होगा, ना कोई स्पेशल इफेक्ट होंगे, सीधे अपलोड होगा ये, बिकॉज टाइम इज मनी और मनी बड़ी ज़रूरी है। अब आप एक वीडियो बनाने के लिए 4-5 दिन लिखोगे, फिर उसके ऊपर आप सोचेंगे कहाँ पे लोकेशन और कहाँ पे क्या, मेरा वो मोटिव नहीं है। मेरा जस्ट ये है कि इफ़ यू आर गेटिंग इंस्पायर्ड, मेरी न जो छोटी छोटी बेकार बेकार सी चीज़ें मैं बोलती हूँ, अगर आप उन चीज़ों से इंस्पायर्ड हो रहे हो तो मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर रही हूँ इस सोसाइटी को चेंज करने के लिए। दैट्स वाई आई एम हेयर। एंड जो मेरा रिलेशनशिप वाला टॉपिक था वो ख़त्म कर रही हूँ मैं अब, तो मैं लास्ट में ये बोलती हूँ कि घर भी बन जाते। हमने ये पूरा घर बनाया शादी के बाद, हमारे पास भी कुछ नहीं था, शिमला में थे हम तो क्वार्टर में रहते थे, तो 10,000 जिसकी सैलरी है उसमें आप 3,500 रूम का किराया दे रहे हो, फिर बिजली का बिल भर रहे हो, फिर खाना पीना भी है, कुछ नहीं बचता। हमने उसमें भी सेविंग की, उस टाइम हमने वहाँ भी कमाया किया थोड़ा थोड़ा थोड़ा। मैं उस टाइम भी खुश थी अपने पति के साथ और आज भी खुश हूँ। एक वीडियो बनाऊंगी मैं कंस्ट्रक्शन ऑफ माई हाउस की, एक एक चीज़ कैसे मैंने मतलब सेलेक्ट कर करके, टाइल से लेकर, वुड से लेकर, डिज़ाइन से लेकर, शीशे से लेकर, पर्दे से लेकर, सब अपने हाथों से चुन के, मतलब मकान बनता है प्यार से, उसको हम घर बनाते हैं। बोलते ना मैं घर जा रहा हूँ, कोई ये नहीं बोलता मैं अपनी बिल्डिंग में जा रहा हूँ या अपने जो मेरा हाउस है या बंगलो है उसमें जा रहा हूँ। घर होता तब जब उसमें जो रहने वाले इंसान है उसमें प्यार हो। मैं छोटे से 2 बच्चे हैं, एक पति है जो घर में होता ही नहीं है, बहुत डेडिकेटेड पुलिसमैन है, तो जिम्मेवारियां हैं मुझे अकेले भी उठाने पड़ती, इसलिए मैं रफ टफ बोल रहती हूँ।
ऐसे ये वो मैं नहीं लगा के रखती ना, बट होता सब कुछ है, बट मैंने बोला ना आई डोंट लाइक दिस लक्ष्मी माता वाला लुक। ठीक है, तो आज सारी जेठानी सजी धजी हैं और बेटियां भी हैं, तो बनता है, चलता है। तो रिलेशनशिप का मतलब यही है, कोई भी हो, ठीक है, मेरी भी बड़ा गोलमाल है, ठीक है, कम्युनिटी अलग है, सब कुछ अलग है, बट आई डोंट केयर। क्यों? क्योंकि इतने लोगों की भीड़ में मुझे एक ही आदमी पसंद आया जिसकी हर बात मुझे पसंद है, हर चीज़ से मुझे प्यार है, तो आज मैं उसके साथ हूँ। क्या आप पहले पूछोगे कि आपकी कास्ट क्या है, या आप ये पूछोगे क्या आप अमीर घर से बिलोंग करते हो, या आपके मम्मी डैडी अच्छे साउंड है, आपके पास घर बना हुआ है, क्या उसके बाद जाके आप सोचेंगे कि मैंने इससे प्यार करना है, इसके हर रिलेशनशिप में जाना है? ऐसा नहीं होता है। तो वैसे ही मुझे लास्ट तक पता नहीं था कि कौन है, कहाँ से, क्या कम्युनिटी है। मुझे सिर्फ इतना पता था कि बहुत अच्छा इंसान है, बहुत बहुत अच्छा इंसान है, इससे ज़्यादा खुश मुझे लाइफ में कोई नहीं रख सकता। तो मैं आज उस इंसान के साथ हूँ, मैं सब कुछ छोड़ के आई। मैंने जिसके साथ रहना है लास्ट तक रहना है, मैं उसके साथ ही खुश हूँ। मैंने उसके साथ बहुत ज़्यादा मतलब बुरे दिन भी देखे, मुश्किलें भी देखी, हर चीज़ देखी मैंने, बट वहाँ से चलते चलते पर मैंने हाथ नहीं छोड़ा उसका, ना उन्होंने मेरा हाथ छोड़ा। हम दोनों एक दूसरे का हाथ हर सिचुएशन में मजबूती से पकड़े रहे। समाज में भी हम आज खड़े हैं, एक अच्छी साउंड फैमिली है, हम रेपुटेड हैं, एजुकेटेड हैं, जॉब वाले हैं, और भगवान की दया से बेटा बेटी भी दोनों हैं, मतलब कंप्लीट फैमिली। हर खुशियाँ, किसी की नज़र ना लगे हमारी खुशियों को, ठीक है। तो मेरे फिर से मैं बोलूँगी कि कहने का यही अर्थ है कि जो लाइफ पार्टनर है वो आपका सोलमेट होना चाहिए। कौन है, कहाँ से है, क्या है, डजंट मैटर, अमीर है, गरीब है, ये हाथों की मैल है। आज आप लखपति देख के शादी करोगे, कल को सकता है करोड़पति से रोड़पति हो जाए। फिर दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि जो भी करो दिल से करो, जिसके लिए दिल धक 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 करता है ना, वही आपके दिल की धड़कन होती है, तो उसी के साथ जुड़ो। चेहरे पे स्माइल रहेगी, दिल में खुशी रहेगी, बाकी सब चलता है। ये लॉकरों में रह जाने सब, और मन खुश ना हो तो, ठीक है। सो एंजॉय योर लाइफ, लिव योर लाइफ, एंड मेक योर लाइफ इजी, सिंपल, नॉट कॉम्प्लिकेटेड। बाय गाइस, लव यू, टेक केयर।